गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 6 फ्रैक्शंस। नाउ टुडेज टॉपिक इज कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमरेटर। कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमरेटर। व्हेन वी कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमरेटर, वी कंपेयर देयर डिनोमिनेटर्स। The fractions with the greater denominator is smaller than the fractions with the smaller denominators. Once again, when we compare unlike fractions with the same numerator, we compare their denominators. The fractions with the greater denominator is smaller than the fractions with the smaller denominators. जब हम अनलाइक फ्रैक्शंस होता है तो उसमें हमेशा न्यूमरेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो सेम न्यूमरेटर होंगे तो हम कंपेयरिंग किसे देखकर करेंगे, डिनोमिनेटर्स को। जैसे यहाँ पे मैंने नंबर्स लिए हैं 5/9 एंड 5/7। सो 5 इज़ अ न्यूमरेटर एंड 9 इज़ डिनोमिनेटर्स। सो अगर न्यूमरेटर सेम है तो हम कंपेयरिंग किसे देखकर करेंगे, डिनोमिनेटर्स को देखकर करेंगे। और इसमें अनलाइक फ्रैक्शंस में जो ग्रेटर डिनोमिनेटर्स होता है वो हमेशा स्मॉलर फ्रैक्शंस कहलाता है। जो ग्रेटर डिनोमिनेटर्स होता है अनलाइक फ्रैक्शंस में वो हमेशा स्मॉलर फ्रैक्शंस कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है 5/9 एंड 5/7। सो 5 एंड 5 सेम न्यूमरेटर, सो हमें कंपेयरिंग किसे देखकर करेंगे, हम डिनोमिनेटर्स को देखकर। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स 9 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर्स 7 है। सो 9 क्या है, ग्रेटर डिनोमिनेटर्स है। तो मैंने क्या कहा, जब ग्रेटर डिनोमिनेटर्स होता है तो वो हमेशा क्या कहलाता है, स्मॉलर फ्रैक्शंस। सो 5/9 इज लेस देन 5/7, मीन्स 5/7 बिग है 5/9 से, क्योंकि 9 क्या है, ग्रेट डिनोमिनेटर्स है, इसीलिए 5/7 इज बिग फ्रैक्शंस। सो आई गिव यू एन एग्जाम्पल, अरेंज द गिवन सेट ऑफ फ्रैक्शंस इन दियर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। 10/21, 10/43, 10/34, 10/12, 10/17। सो लुक एट हियर, न्यूमरेटर सेम, 10, 10, 10, 10। अगर न्यूमरेटर सेम है तो हम कंपेयरिंग किसे देखकर करेंगे, डिनोमिनेटर्स को देखकर। सो हमें चेंज पहले हम किस में करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। सो न्यूमरेटर सेम है तो मैंने आपको कहा है कि जो ग्रेट होगा डिनोमिनेटर, जो बिग डिनोमिनेटर्स होगा वो क्या कहलाएगा, स्मॉल फ्रैक्शन। सो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉल टू बिग। तो इसमें से हमें पहले फाइंड आउट करना है कि इसमें सबसे स्मॉल फ्रैक्शंस कौन सा है। सो लुक एट हियर, 10/21, 43, 34, 12, 17। सो बिग डिनोमिनेटर इज 43। सो 43 इज बिग नंबर, सो दिस इज कॉल्ड स्मॉलर नंबर। 10/43 इज स्मॉल। नेक्स्ट 10/34, नेक्स्ट 10/21, नेक्स्ट 10/17, नेक्स्ट 10/12। सो लुक एट हियर, 43 इज बिग डिनोमिनेटर्स, सो दिस नंबर इज small number, and 10/12, 12 is small denominators, so this number is called great fractions. So next, changing descending order. Descending order means big to small. So where is big fraction, 10/12, next 10/17, next 10/21, next 10/34, next 10/43. This is called descending order. Once again, unlike fractions, when we compare unlike fractions with the same numerator, we compare their denominators.
अलाइक फ्रैक्शंस में अगर न्यूमरेटर सेम है तो हम कंपैरिजन किसे देखकर करेंगे, डिनोमिनेटर्स को देखकर। और जो डिनोमिनेटर सबसे बिग नंबर बिग होगा वो क्या कहलाएगा अनलाइक फ्रैक्शन में, सबसे स्मॉल नंबर। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टूड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।